नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम आप तक खेती किसानी और साथ ही साथ पशुपालन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि आप उनसे लाभ ले सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी सबसे पहले हम आपको बताएंगे उत्तक संवर्धन विधि से उगाए आप कैसे केला, साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे एक गौपालक असीम रावत से, और फिर बात होगी राष्ट्रीय कृषि बाजार की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, केले की खेती की जब बात होती है तो ये 12 महीने की जा सकती है। अच्छी आमदनी वाली फसल है ये, लेकिन आपको बता दें कि इसमें आप और भी ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। किस तरह से? उत्तक संवर्धन विधि यानी कि टिश्यू कल्चर से खेती करके। क्या है ये विधि, आइए बताते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। केले का सीजन कभी खत्म नहीं होता, ये हर मौसम में उपलब्ध रहने वाला फल है। यही वजह है कि किसानों के बीच केले की खेती काफी लोकप्रिय हो रही है। उत्तक संवर्धन विधि से केला उगाना बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। इसे टिश्यू कल्चर विधि भी कहा जाता है। इस विधि से तैयार पौधे एक जैसे और समान आकार वाले होते हैं और इनमें बीमारी की संभावना भी कम रहती है। इसके अलावा पूरी फसल एक साथ तैयार हो जाती है और 95% पौधे विकसित होकर फल देने लगते हैं। कम बीमारियों की वजह से ही संवर्धन विधि से उगाई फसल में लागत बेहद कम आती है। आप इस तरह की पौध कृषि विज्ञान केंद्र या फिर बायोटेक कंपनी से हासिल कर सकते हैं। पौध खरीदने के बाद रोपाई करेंगे। रोपाई के लिए 50 सेंटीमीटर लंबे, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और इतने ही गहरे गड्ढे बनाने होंगे। इनमें गोबर की खाद और दूसरे पोषक तत्व डालने के बाद रोपाई कर देंगे। पौधों और कतारों के बीच फासला 6-6 फुट का होगा। हाँ, अगर लंबी किस्म है तो पौधों की रोपाई कर रहे हैं तो फिर ये दूरी 9 फुट रखनी होगी। केले पर कीटों का हमला बहुत जल्दी होता है, इसलिए हर चरण में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों की सलाह से जैविक कीटों का छिड़काव करना चाहिए। पानी सही समय पर और उचित मात्रा में लगाएं। केले को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए बेहतर होगा कि टपक सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल करें ताकि पानी की बचत हो सके और लागत में ज्यादा कमी लाई जा सके। सर्दियों में 10 से 15 दिनों पर और गर्मियों में 4 से 7 दिन पर सिंचाई करनी होगी। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई गहरी ना करें क्योंकि केले की जड़ें बहुत गहरी नहीं होती। साथ ही पत्तियों को भी काटते रहें। केले को अच्छा पोषण चाहिए, यही वजह है कि 30% लागत सिर्फ खाद और उर्वरक पर खर्च हो जाती है। हर पौधे में 300 ग्राम नाइट्रोजन, इतना ही पोटाश और 100 ग्राम फॉस्फेट 3 से 4 चरणों में देना होगा। इसमें पत्ती बनाना बीटल, जड़ और तना बीटल और लाचन जैसे कीट लग सकते हैं। वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। 14 महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। कटाई करने पर एक पेड़ 25 से 30 किलो तक फल देता है। खेत के बाहर इन्हें इस तरह काटकर क्रेट में भरा जाएगा और बाजार में बेच दिया जाएगा। चूंकि उत्तक संवर्धन विधि से सभी केले समान आकार के होते हैं, इसलिए ग्रेडिंग की जरूरत नहीं होती। एक हेक्टेयर में 6 से 7 टन फसल ली जा सकती है। केला विटामिन B6 का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी और मैग्नीज भी इसमें पाया जाता है। इसके पौधों से जो रेशा निकलता है उसका उपयोग कपड़ा बनाने में होता है। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ। ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालें कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं गाजियाबाद के एक गौपालक असीम रावत से। जी हाँ, पशुपालन से जुड़े हुए हैं, अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है जानने के लिए आइए उन्हीं से मुलाकात करते हैं। हमारा देश आदिकाल से कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे देश में प्राचीन काल से गाय का महत्व रहा है। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता के रूप में भी मानते हैं। गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र तीनों ही उपयोगी रहे हैं। गौ पालन करके किसान लाभ कमा सकते हैं। किसान दूध और दूध से बनी वस्तुओं से तो लाभ प्राप्त करते ही है, साथ ही गोबर से खाद और गौमूत्र आयुर्वेद के नजरिए से लाभकारी रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आजकल बहुत से युवा भी इस व्यवसाय में आए हैं। उनका कहना है कि गौ पालन एक सफल व्यवसाय बन सकता है। यदि आप रोजगार तलाश रहे हैं तो एक सही ट्रेनिंग लेकर गौ पालन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही एक युवा उद्यमी है असीम रावत, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर की नौकरी की, लेकिन आज वो गौपालन के व्यवसाय में आगे आए हैं और अपनी मेहनत और लगन से एक सफल किसान बन गए हैं। आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के हेता गौशाला में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे असीम रावत जी से, जिन्होंने पहले तो बीटेक की पढ़ाई की और उसके बाद अच्छी नौकरी भी की, लेकिन नौकरी छोड़ अब वो गौ पालन के व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनके सफर की कहानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सो मच। आप सभी का डीडी किसान की सारी टीम का हेता में स्वागत है। ये मेरा सफर एक मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट होता है। मैं जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी IIT हैदराबाद से। उसके बाद मैं जॉब में आ गया, कलकत्ता से मैंने अपनी जॉब शुरू करी, फिर बैंगलोर में मैं 11 साल लगभग रहा, और इसी बीच पूरे विश्व को घूमने का, वहाँ काम करने का मौका मुझे मिला। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोगों के साथ जो है आपका आप रूबरू होते हैं, उनके साथ काम करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सीखने को बहुत मिलता है। ये मेरे साथ भी हुआ। लगभग 14-15 ईयर्स जब मैंने काम कर लिया था, तो इसी बीच में ख्याल भी आता है कि अब व्हाट नेक्स्ट। एक टीवी पे प्रोग्राम में देख रहा था, वो काफ़ी मुझे स्ट्राइक किया। प्रोग्राम में डिबेट हो रही थी इंडिजिनस काउस पर, तो जो पक्ष था कि भाई इनसे कुछ किया जा सकता है, ये गाय बहुत महत्वपूर्ण है, इनका दूध बहुत अच्छा है, वो अपना पक्ष रख तो रहे थे, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि कोई ऐसी संस्था क्या एग्जिस्ट करती है जिसमें आप सिर्फ भारतीय प्रजातियों की गाय रखते हैं और वो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो पक्ष ये बता रहा था कि डेयरी सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब आपके पास भैंस हो या HF जर्सी काउ हो, जो बेसिकली मिल्क एंड मीट होती है। तो जैसे यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, तो आपके पास दूध भी होता है, आपके पास मीट भी होती है। जब गाय काम की नहीं होती तो आप उसको कलिंग कर देते हैं, बुचरी में चली जाती है। लेकिन जो भारतीय पद्धति है उसमें हम गाय को शुरू से लेकर अंत तक पालते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी होती है। हम उसके दूध, गौमूत्र, गोबर का यूज़ करते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो जानकारी तो थी, लेकिन इसको प्रूव कैसे किया जाए, इसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर कैसे बनाया जाए। तो मुझे लगा कि एक आइडिया वर्थ इट है जिसमें मैं अपनी जॉब छोड़ूँ। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने अपने साथ कैरी किया, जॉब को मैंने क्विट किया। और जब जॉब छोड़ी तो मेरी फैमिली बहुत परेशान हुई, पेरेंट्स बहुत परेशान हुए कि अब क्या होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी सैलरी में ड्रॉ करता था, और अब यहाँ पर बहुत ही असमंजस थी। एक गाय थी, गोबर था, किसी ने कुछ किया नहीं था, जानकारी नहीं थी, बहुत पीढ़ियों से गाय भी नहीं थी पास में। तो समाज ने भी बहुत मजाक बनाया, दोस्तों ने भी बहुत मजाक बनाया, लेकिन मुझे लगता था कि ये बाकी वो चीज़ है जो मैं करना चाहूँगा। अंतरात्मा से वो आवाज़ आती थी। तो फिलहाल दो गायों के साथ, दो लोगों के साथ शुरुआत किया इस सफ़र का। अब इस समय 7.5 साल के बाद हम लोग लगभग 80 हेड स्ट्रॉन्ग हैं एज अ टीम। 3 लोकेशन से ऑपरेट करते हैं हम। हेता गाजियाबाद में आप बैठे हुए हैं, हेता बुलंदशहर में हमारी नंदीशाला चलती है जहाँ बूढ़ी गाय, बछड़े और ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं, और हेता उत्तराखंड चंपावत में हम लोग इंडिजिनस जो वहाँ की बद्री गाय है उसके ऊपर काम करते हैं।
सर, अभी आपके पास कितनी गायें हैं, टोटल कितनी गायें हैं, और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? हमारे पास इस समय भारतीय गौवंश की लगभग 1000 से ऊपर गायें हैं, जिसमें मिल्किंग काउस भी हैं, नॉन मिल्किंग काउस भी हैं, बछड़े भी हैं, बूढ़ी गाय भी हैं, सब मिलाकर। और आपका जो दूसरा सवाल है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो बेसिकली मिशन सिंपल है कि इन गायों को एथिकली पालना है, और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि इनको टाइमली फॉडर मिले, न्यूट्रिशियस फॉडर मिले, और जो हमारी टीम इनको सपोर्ट करती है, 80 जो लोग हैं लगभग इस समय, उनकी सैलरीज टाइमली आए। तो मिशन यही है कि प्रॉफिटेबल वेंचर बना रहे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस काउस हम पाल सकें उनको हम पालें। सर, आपका जो सालाना टर्नओवर है कितना अर्जित कर लेते हैं, उस बारे में बताएं। ये तो लगभग इस लास्ट ईयर का जो मैं देखता हूँ जो फाइलिंग हुई है वो 4 से 5 करोड़ के बीच की है पर ईयरली, ये संस्था का ये टर्नओवर है। सर, जैसे कि आपने बताया कि गौमूत्र, गोबर और गाय के जो दूध होता है, तो उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? देखिए, एक अथाह सागर है, तो देसी गायें के दूध से हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गौमूत्र से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और गोबर का भी हम यूज़ करते हैं। तो दूध पर आते हैं जो आसान है, तो दूध तो हो ही गया, उसके साथ आपका जो है खोया हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, बिलोना घी हम बनाते हैं, दूध की दही, दही बिलो कर मक्खन, मक्खन से घी, तो मक्खन भी जाता है, छाछ भी चली जाती है। बिस्किट्स बना लेते हैं, उसमें भी घी लगता है, लड्डू बना लेते हैं, उसमें भी घी लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं गौमूत्र पे, तो गौमूत्र से हम पंचगव्य मेडिसिंस बनाते हैं, ये आयुर्वेदिक लाइसेंस के अंतर्गत बनती हैं, बिना लाइसेंस के आप इनको सेल नहीं कर सकते और मैन्युफैक्चर भी नहीं करना चाहिए, आपको उसकी नोहाव होनी चाहिए क्योंकि ये मेडिसिंस हैं। बहुत तरह के अर्क होते हैं, जैसे नॉर्मल अर्क हुआ गौमूत्र को उबाल के जो बनता है, फिर डायबिटीज़ अर्क बनाते हैं, मधुमेह नाशनी से कहा जाता है, मधुमेह नाशनी अर्क, उसके बाद आपका स्किन के लिए एलोवेरा अर्क हो जाता है, ठीक है, पेट को सही रखने के लिए त्रिफला अर्क हो जाता है, घनवटी बनती है, ये भी गौमूत्र से डिराइव होती है। पंचगव्य काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हेयर ऑयल हुआ, बॉडी ऑयल हुआ, शैम्पूज हुए, सोप हुए, इनमें भी या तो गोबर की राख होती है या गौमूत्र का कोई पार्ट होता है, जो एंटी फंगल होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी साइंस है, ये इसमें रिसर्च टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद से डिराइव्ड हैं, और आपकी ये जो करंट स्टेटस है मार्केट का, उसमें मुझे लगता है कि इसकी एक अच्छी डिमांड है, लोग अब जानने लगे हैं, जागृत होने लगे हैं कि देसी गायों से सिर्फ दूध ही उपयोगी नहीं है, हम लोग गौमूत्र और गोबर का यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए हितकर होगा। फिर अब गोबर पे आते हैं, गोबर से दिए हो गए, लकड़ियाँ हो गई, उपले हो गए। सर, जैसे कि गौमूत्र है या गोबर है तो लोग अब इग्नोर करने लगे हैं, हालांकि भारत की ये परंपरा रही है हमेशा से, हिस्ट्री में भारत की हमेशा से रही है कि गोबर और गौमूत्र को बहुत शुद्ध माना जाता है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, गहरा सवाल है। देखिए, गौमूत्र बेसिकली जिस तरीके से इसका यूज़ अब हो रहा है, ठीक है, कोई ये कह दे कि आपको कोरोना हो गया तो आप गौमूत्र पी लीजिए, तो वो अपने आप में भी एक मजाक है। तो ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कोई बीमार है तो आप जो है पेंसिलिन खा लीजिए, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सी दवाई किस चीज़ में लगेगी, ठीक है। गौमूत्र अपने आप में वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, स्किन डिजीज के लिए अच्छा होता है, जिसको एनीमिया है उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, एंटी कैंसरस है, कैंसर के कितने ही रोगी इससे ठीक होते हैं। लेकिन इसका एक तरीका है, किसको देना है, कैसे देना है, किस चीज़ के साथ देना है, ठीक है, तो ये एक आयुर्वेद वैद्य की आप निगरानी में उसका यूज़ करें। तो गोबर भी इसी तरीके से है, गोबर के बिना आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते, आप सिर्फ पत्ते इकट्ठे करके ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते, आपको गोबर की ज़रूरत है। जो आजकल सॉइल के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम चला हुआ है, कई सारे मनीषी के ऊपर अब सतर्क हो गए हैं, इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं कि भाई सेव योर सॉइल। सॉइल क्यों सेव करनी पड़ रही है, आपने इतना यूरिया पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लिए हैं कि सॉइल इतनी ड्राई हो गई है, उसका वाटर रिटेंशन का जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो गई है, उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब खत्म हो गए हैं लगभग। तो उसको वापस लाने के लिए एक ही तरीका है, वो है देसी गाय का गोबर, और वो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको लाइक करें चाहे आप उसको डिसलाइक करें।
सर, आजकल के जो युवा है जो नौकरी की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो भी खासकर अगर आप गौ पालन में आते हैं या ऑर्गेनिक खेती में आते हैं, तो आप अपना तो भला करते ही हैं स्वास्थ्य का, आप अपने आसपास का बहुत भला करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो भी होता है वो अपने अलावा 10 लोगों को जॉब देता है, तो आप जॉब क्रिएटर होते हैं जॉब सीकर की जगह, जिसकी बहुत ज़रूरत है इस समय, ठीक है। दूसरा, गौ पालन करेंगे तो आप सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है, आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे आप, ठीक है, और इन्वायरमेंट हेल्दी रहता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गौ पालन, जिसमें आपके जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो सब यूज़ हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसा प्लास्टिक इंडस्ट्री की तरह वेस्ट नहीं है कि जिसको आपको बचाना होगा। एवरीथिंग फ्रॉम द काउ इज़ यूजेबल एंड इज़ गुड फॉर ह्यूमैनिटी। तो मेरा यही संदेश है सभी युवाओं को कि पेशेंस रखिए, अच्छी नस्लों की देसी गाय पालिए। इसमें समय लगता है, प्रोजेनी बनाने में समय लगता है, लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो इसमें 100% रिजल्ट्स हैं। तो ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालें फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश की सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिससे कृषि के क्षेत्र में विकास हो सके, हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके, और उन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में से एक है राष्ट्रीय कृषि बाजार। अब ये बाजार क्या है, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, कैसे ये आपको लाभ पहुँचा सकता है, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ईनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ईनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियाँ जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियाँ इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहाँ 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ईनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ईनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है।
दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही बता दें, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandidi@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।